दोस्तों, आज जब हम यहाँ पे उस शिक्षा में प्रतिनिधित्व के सवाल के साथ एकजुट हुए हैं, यहाँ जब हम इकट्ठा हुए हैं, तो इस जमीन को हमें याद रखना चाहिए। ये वही जमीन है जहाँ कभी मंडल विरोध के नारे बुलंद हुए थे, ये वही जमीन है जहाँ पर कभी आज से दशकों पहले आरक्षण के खिलाफ एक लड़ाई चली थी। आज हम उस लड़ाई के खिलाफ खड़े हैं। आज हम उन तमाम शक्तियों को बताना चाहते हैं कि आरक्षण की लड़ाई नहीं है। आरक्षण कोई खैरात की बात नहीं है। प्रतिनिधित्व का सवाल किसी खैरात या किसी भीख का सवाल नहीं है। प्रतिनिधित्व का सवाल है इस देश के राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी का सवाल। दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व की और खासकर उच्च शिक्षा में, तो यह सवाल सीधे सीधे राष्ट्र निर्माण के सवाल से जुड़ता है। सवाल उठता है कि हम किस तरह का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारे दिल और दिमाग में राष्ट्र को लेकर जो समझदारी है, वो कैसी समझदारी है? राष्ट्र को लेकर समझदारी जो हमारी है, क्या किसी एक तबके से है? क्या सिर्फ एक परचम या फिर किसी एक विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं? या फिर हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान से चलेगा, जो भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं उन पर चलेगा? दोस्तों, आज ये हमें समझने की जरूरत है कि जिस संविधान में प्रतिनिधित्व का हक सुनिश्चित किया गया है, आज उस संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। आज उस संविधान की मूल भावना के खिलाफ कारनामे किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस बहुजन तबकों के लिए है, जब हम उच्च शिक्षा और यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि यूनिवर्सिटियों के क्या मायने हैं। यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर देश के, समाज के विभिन्न तबकों के लोग एकजुट होते हैं। भारत जैसे देश जहाँ पे पहले से ही हमारे विरासत में सामंती ताकतें और सामंती भेदभाव मिले हैं, ऐसे में यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर विभिन्न तबके के लोग एक मंच और एक जगह आते हैं और उनके बीच के भेदभाव खत्म होते हैं और उनके बीच का मेल मिलाप का स्तर बढ़ता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब इस विश्वविद्यालय से वंचित तबकों और बहुजन तबकों को दरकिनार किया जाएगा, तो हम किस तरह का विश्वविद्यालय बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम यह विश्वविद्यालय जो कि इस देश का पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सबकी सुनिश्चित करने के बजाय हम एक खास तबके, एक खास रंग को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज जो हालिया रोस्टर सिस्टम का जो पूरा मसला है, हम देखते हैं कि इसमें एक पूरे पूरे तबके को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस देश का जो बहुजन तबका है, जिसमें OBC, ST, SC और अल्पसंख्यक तबका शामिल है, उसको बहुत ही बदमाशी के साथ साइडलाइन किया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे यहाँ पे तमाम मौजूद साथियों से कि क्या यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की है, या फिर हमारी लड़ाई है तुम्हारे राष्ट्र निर्माण के खिलाफ। जिस तरह का राष्ट्र निर्माण तुम करना चाहते हो इस देश में, जिस तरह का मुल्क तुम बनाना चाहते हो, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम तुम्हारे उस मुल्क के, तुम्हारे उस एजेंडे के साथ नहीं है। हमारा मुल्क होगा भारतीय संविधान का मुल्क, हमारा मुल्क होगा सबके हिस्सेदारी का मुल्क, हमारा मुल्क होगा सबके प्रतिनिधित्व का मुल्क। दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ आज का जो मुद्दा है, हम उसके साथ अपनी एका को जोड़ते हैं, हम उसके साथ अपनी आवाज को शामिल करते हैं। जय भीम दोस्तों।